अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ माना जाता है और अप्रैल 2 को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इसी मौके पर हम भी आज बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में और जवाब देंगे दिल्ली से प्रतिभा जी का, जिन्होंने पूछा है कि ऑटिज्म को उन्होंने आजकल न्यूज़पेपर में काफ़ी पढ़ा है, तो वो जानना चाहती हैं कि ये क्या होता है, इसके क्या साइंस होते हैं और क्या वो अपने बच्चे को इससे प्रोटेक्ट कर सकती हैं। ऑटिज़म एक न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो छोटे बच्चों में यानी इन्फेंट्स और टॉडलर्स में देखा जाता है, जिसके सिम्टम्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट और रेपिटेटिव बिहेवियर्स को के रिफ्लेक्शन होते हैं। इसके कुछ अर्ली साइंस होते हैं और ऑटिज़म को अर्ली आइडेंटिफाई करना या और अर्ली इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑटिज़म के अर्ली साइंस जो कि आप यंगेस्ट मतलब 6 बच्चों में भी देख सकते हैं, उनमें से कुछ होते हैं कि अगर आपका बच्चा 6 महीने तक का है लेकिन वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, यानी अगर आप उसे फीड कर रही हैं या उससे बात कर रही हैं तो बच्चा आपको देख नहीं रहा है, आपके से आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, और सोशल स्माइलिंग जो कि ज़्यादातर बच्चों में 1 से 2 महीने की उम्र में आ जाती है वो भी एब्सेंट है, यानी बच्चा जब आपको देखता है तो वो आपको शायद से रिकग्नाइज नहीं कर पाता है या किसी भी कारण से वो आपकी तरफ एक स्माइल नहीं देता है या आपको देखकर खुश नहीं हो रहा है। ये 6 महीने तक के बच्चों के लिए है। उससे बड़े बच्चे, लगभग 1 साल के बच्चे, अगर अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, यानी अगर आप उनका नाम लेते हैं तो उस तरफ नहीं देखते हैं या समझ नहीं पाते हैं और किसी भी तरह की बेबी टॉक या बोलना उन्होंने बिल्कुल नहीं शुरू किया है। 1 साल से बड़े बच्चों में ये देखा जाता है कि ऑटिज़म के अर्ली साइंस होते हैं कि बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं या कनेक्ट किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें उनके साथ खेलना पसंद नहीं है, अगर आप उन्हें हक करते हैं या कडल करते हैं तो वो उसमें भी इरिटेट हो जाते हैं और वो कोई भी चंद बिहेवियर्स या मूवमेंट्स को रिपीट करते हैं, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग या गोल गोल घूमना या ट्वर्लिंग रिपीट करते हैं। एक और जो इसका सिग्निफिकेंट साइन होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने रूटीन और अपने एनवायरनमेंट की तरफ काफ़ी रिजिड होते हैं, यानी छोटा सा चेंज जैसे फर्नीचर रीअरेंज कर देना या थोड़ा सा भी खाने के टाइम में चेंज होना, उससे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और हमेशा इरिटेट होते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कुछ कुछ सेंसरी चीज़ों से भी परेशान हो सकते हैं, जैसे कि ब्राइट लाइट्स या कोई पर्टिकुलर साउंड, जैसे कार चलने की साउंड या प्रेशर कुकर की साउंड से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ये अर्ली साइंस होते हैं और अगर आपको लग रहा है कि ये आपके बच्चे में दिख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को डेफिनेटली किसी पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इसे प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीज़ें आप ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि ये प्रीनेटल एनवायरनमेंट जो है वो उसमें सिग्निफिकेंट पाया गया है, तो ज़रूरी है कि आप प्रीनेटल एनवायरनमेंट यानी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मल्टीविटामिन्स लें या जो भी एक हेल्दी डाइट होती है वो मेंटेन करें। अगर आप किसी भी तरह की मेडिसिन्स ले रहे हैं, स्पेशली एंटी डिप्रेसेंट्स, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि इसका भी बच्चे पर इफ़ेक्ट हो सकता है अगर इसकी डोजेज को मॉड्यूलेट ना करा जाए। इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर ऑटिज़म को आप जल्दी समय पर जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे या डायग्नोस कर पाएंगे तो आपके बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर इस बारे में आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप हमसे पूछें, हम आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, और ऑटिज़म के बारे में अवेयर हों और ये अवेयरनेस फैलाएँ।